नमस्कार, आप देख रहे हैं HMTV लाइव। आपके साथ मैं हूं AL द्विवेदी। आइए देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। सर, किस तरीके से आज भी लॉकडाउन है, किस तरीके से कड़ाई से पालन किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कुछ लोग अनावश्यक ही भी घर से निकल ले रहे हैं। वो कल भी सब्जी लेने निकले थे और आज भी सब्जी लेने निकल गए। तो उनको तो पता है कि एक दिन में दो दिन की सब्जी भी ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी मिल रही हैं कि अनावश्यक भी निकल पड़ रहे हैं कि सब्जी लेना है। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनको दवा के पुराने पर्चे लेकर के निकल पड़े हैं। इन सभी लोगों को सख्ती से समझाया गया, वापस किया जा रहा है। कल से स्थिति काफ़ी बेहतर है। जो नहीं मान रहे हैं, हाँ, जो नहीं मान रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। सर, लॉकडाउन को लेकर कल जो स्थिति देखी गई पूरे प्रदेश भर में, आज इसको उसके देखते हुए किस तरीके का? बनारस में बेटर रहने कल से काफ़ी जो है फोर्स को भी ब्रीफ किया गया है, तो लोगों को देखे कि उनके किसकी क्या ज़रूरतें हैं। कोई बिना गैर जरूरत के गैर वाजिब दिखाई पड़ रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।